हाँ तो भाई, वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो T20 का पहला सीरीज खेले जाने वाला है आज के इस वीडियो में, उसका आपको 6 GL का टीम कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलने वाला है। 6 GL का टीम कॉम्बिनेशन हम लोग बनाने वाले हैं। हर तरह से टीम रोटेट करके बनाएंगे। एक टीम हम लोग बनाएंगे इंडिया के फेवर में, एक टीम बनाएंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया के फेवर में, और बाकी की टीमों की मैं बात करूं तो किसी में हम बॉलर लेके ज्यादा चलेंगे, किसी में बैट्समैन लेके ज्यादा चलेंगे, और एक में ऑलराउंडर लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर एक से ज्यादा टीम से खेलते हैं। तो कल तो मैंने इस मैच का प्रेडिक्शन आप सभी को दे दिया है, लेकिन आज के इस वीडियो में टीम का कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है। अगर आप ज्यादा टीम से खेलते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होगा, चाहे आप 3 टीम से खेलो चाहे 6 टीम से खेलो, ठीक है। तो सभी टाइप का हम लोग टीम बना के चलेंगे, क्योंकि मैच का कुछ कहा नहीं जा सकता, और जैसा भी मैच जाए एक ना एक टीम आपका उसमें जरूर फंसेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले टीम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो विकेट कीपर सेक्शन पे जैसा ईशान किशन, मैथ्यू वेड है, और जॉश इंग्लिश और जे शर्मा है। तो ईशान किशन और मैथ्यू वेड 5 नंबर और 6 नंबर का बल्लेबाज है, मिडिल ऑर्डर का है। तो टीम नंबर पहला जो हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं भाइयों, इसमें हम मैथ्यू वेड और ईशान किशन को लेके चलेंगे। और कुछ ऐसा भी टीम कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे जिसमें टीम का जो 1 डाउन 2 डाउन मतलब जो ओपनर बैट्समैन है ड्रॉप रहेगा, और एक टीम में हम लोग 1 से 3 नंबर तक दोनों टीमों के बैट्समैन भी लेके चलेंगे, क्योंकि मैच में कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा ऊपर से जो आउट होता है तो बैट्समैन आउट होता जाता है, नहीं खेल पाता, और कभी होता है कि 3 विकेट या 2 विकेट बस गिरते हैं, मैच खत्म हो जाता है। तो हर तरह में हम लोग टीम बना के चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला हम टीम बनाएंगे ईशान किशन और मैथ्यू वेड, दोनों को लेके चलेंगे, दोनों मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, ठीक है। उसके बाद बैटिंग सेक्शन की बात करें तो सूर्य कुमार यादव देखो 3 नंबर पे खेलेगा, कैप्टनसी भी कराने वाला है, टी हेड का परफॉर्मेंस आप सभी ने देख लिया, अच्छा है। उसके बाद स्मिथ है, गायकवाड है, ठीक है। स्मिथ 3 नंबर पे, गायकवाड 2 नंबर पे, जसवाल क्या है, जसवाल यहाँ पर कह सकते हो कि साफ साफ ऐसा प्लेयर है अगर चल गया तो 80 रन 100 रन आपको मार के देगा, नहीं चला तो 5 रन 10 रन पे आउट होके चला जाएगा। मतलब ये लोग आता है, आते आते सीधा लंबा लंबा शॉट खेलने का प्रयास जो है करता है, इसी चक्कर में आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऐसे प्लेयर है, एक हमारा यशस्वी जसवाल, एक हमारा यहाँ पर सूर्य कुमार यादव है, ठीक है। इन दोनों पे बड़ा रिस्क है, अगर चल गया तो अच्छा चलता है, नहीं चला तो एकदम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो 2 प्लेयर ऐसे हैं, तिलक वर्मा है, आराम से खेलने वाला बैट्समैन, रिंकू सिंह भी थोड़ा वही है, हिट वाला प्लेयर है, ठीक है, हिट एंड मिस वाला। हाँ, टीम डेविड है, काफी अच्छा प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन भी है, 2-3 नंबर पे कर लेगा और टिक के खेलता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टीम डेविड अच्छा रहेगा ऑप्शन। तो बैटिंग सेक्शन पे देखो, हम यहाँ पर जो पहला टीम बनाएंगे, हम मान के चलते हैं कि जो टीम है उसका ज्यादा जो है विकेट नहीं गिरेगा, 3 या 4 ही विकेट गिरेगा दोनों टीमों से। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर टीम बनाएंगे, हम लेके जाएंगे सूर्य कुमार यादव को, उसके बाद ले लेंगे यहाँ पर गायकवाड को। पहले हम इंडिया के प्लेयर चूज करेंगे, ठीक है, सूर्य कुमार यादव, गायकवाड, एक हम और इंडिया का रखना चाहे तो यहाँ पर आप यशस्वी जायसवाल है, जैसे मान लेते हैं हम यशस्वी जायसवाल को रख लिए इस टीम में, ठीक है। तो हमारा यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, दोनों एक टीम में ऐसा प्लेयर हो गया जो हिट एंड मिस वाला है, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो फ्लॉप, ठीक है, 2 प्लेयर हो गया। उसके बाद स्मिथ को ले लेंगे हम, 3 हो गया, टी हेड को ले लेंगे, 4 हो गया, ठीक है भाइयों। तो हमारे इसमें देखो सभी ओपनर बैट्समैन हो गए, टी हेड भी अपने टीम के तरफ से ओपनर है, यशस्वी जायसवाल भी है, उसके तरफ से बात करें गायकवाड है तो गायकवाड सेकंड करेगा, तो इधर से स्मिथ, और जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं नीचे टीम डेविड करेगा, ठीक है। तो टीम डेविड को हमने यहाँ पर नहीं लिया है अभी इस टीम में, ठीक है। मान के चलो हम यहाँ पर 5 के 5 बैट्समैन जो हमने टीम में ले लिए हैं, हम मानते हैं कि बैटिंग काफी अच्छा चलेगा पिच में, तो हम बैट्समैन ले लिए हैं। उसके बाद बात करें ऑलराउंडर सेक्शन पे, ग्लेन मैक्सवेल है 4 नंबर पे खेलेगा, बेस्ट ऑप्शन है। अक्षर पटेल 7 नंबर पे खेलेगा, तो बैटिंग तो पहुंचना थोड़ा मुश्किल है कि अक्षर पटेल तक शायद बैटिंग यहाँ पर पहुंचे। उसके बाद मार्कस स्टोनिस, चलो ये सही नहीं है, मैथ्यू शॉट ठीक ऑप्शन रहेगा, ये भी जो है आपको 2 नंबर पे बैटिंग करता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। शिवम दुबे 7 नंबर 6 नंबर पे खेलेगा, तो शिवम दुबे तक बैटिंग पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा कन्फर्म नहीं है। तो हम इस कंडीशन में बना रहे हैं कि ज्यादा विकेट टीम का नहीं गिरेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैक्सवेल को ले लेंगे ऑनली ऑन, क्योंकि 4 नंबर पे खेलता है, ठीक है। एक मैथ्यू शॉट है तो मैथ्यू शॉट को भी आप लेके चल सकते हो, चलो हमने मैथ्यू शॉट को भी यहाँ पर ले लिया, ठीक है। सिलेक्शन कम है, ट्रम्प कार्ड प्लेयर आएगा, ले लिया। बात करूं बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर रिचर्डसन को ले लेंगे हम कल की तरह, और एक हम बात करें तो ब्रेंडरॉफ को ले लेंगे, ठीक है, ब्रेंडरॉफ को। 2 प्लेयर हो गए हमारा, यहाँ पर इंडिया से 4 प्लेयर और ऑस्ट्रेलिया के 7 प्लेयर है, ठीक है। ये मान के चलो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में हम लोगों ने टीम बनाई है, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया, वैसे हम तो चाहते हैं कि इंडिया ही मैच जीते, लेकिन मैच है जैसे वर्ल्ड कप में हर कोई बना रहा था इंडिया के फेवर में टीम, लेकिन उल्टा चला गया, उसी तरह कोई सही नहीं है। वैसे तो हम चाहते हैं कि इंडिया जीते, चलो यहाँ पर 7-4 के कॉम्बिनेशन में टीम बन गया, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि नेक्स्ट कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होना चाहिए। मेन जो हमारे बैट्समैन है सारे के सारे अपने टीम में हमने ले लिया है, ठीक है। तो चलो इस कॉम्बिनेशन में हम कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सेफ ऑप्शन, जैसे कल हमने बताया था गायकवाड, तो अच्छा ही है, गायकवाड को ले लिया, ठीक है।
वाइस कैप्टन चलो हम मानते हैं जसवाल इस मैच में चलेगा, हम जसवाल को वाइस कैप्टन कर दिए, आप चाहो तो सूर्य कुमार यादव को भी कर सकते हो। तो फाइनल द्रविड़ का टीम कॉम्बिनेशन हमारा बन के तैयार है, जिसमें हमारा कितना ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, ये भी हो गया है, फिर ये दोनों ट्रम्प कार्ड है। उसके बाद बात करें बैटिंग सेक्शन पे तो स्मिथ है, फिर उसके बाद मैथ्यू वेड है, तो ये सभी ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, इनका सिलेक्शन जो है यहाँ पर कम चल रहा है। तो एक कॉम्बिनेशन भाई हमारा यहाँ बन गया, ठीक है, याद रखना आप, हमारा एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन गया। अब बात करते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन का, अगर आपने नहीं देखा हो तो स्क्रीनशॉट लेके आप टीम का रख सकते हो। हाँ एक बात और बता दें कि जो हम अभी टीम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, वैसे तो इसमें कुछ चेंजेस ना हो, लेकिन अगर होता है तो उसका फाइनल टीम फाइनल जो अपडेट आता है चेंजेस के बाद, किस प्लेयर को लेना है, किसको सीबीसी करना है, सभी कुछ अपडेट मिलता है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में है। तो आप सभी के लिए एक प्यारा सामने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, जाओ आप सभी जाके ज्वाइन कर लो, लाइनअप के बाद वहां आपको सभी कुछ अपडेट कर दिया जाता है, बेस्ट ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम प्रोवाइड की जाती है। साथ में चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पिछला वीडियो में तो नहीं मिला लेकिन इस वीडियो में अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो यार एक लाइक करके कमेंट जरूर करना, ठीक है, कंजूसी मत करना। चलो सेकंड जब हम टीम बनाएंगे तो इसमें हम फिर से दोनों को लेके चलेंगे यहाँ से, ठीक है, ईशान किशन और ये दोनों मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, दोनों को ले लिया। उसके बाद बैटिंग सेक्शन पे बात करें तो इसमें हम जो हिट एंड मिस वाला प्लेयर है, ठीक है, जैसे ओपनर उसको हम ड्रॉप करके चलेंगे, जैसे हम यहाँ पर ट्रेविस हेड है, हेड को हम ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद यशस्वी जायसवाल को, ठीक है, ओपनर दोनों बैट्समैन को हम यहाँ पर ड्रॉप रखेंगे, दोनों अपनी टीम के ओपनर है तो दोनों को हम ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर हम लेके जाएंगे जैसे टीम डेविड है, अच्छा खेलता है, टिक के खेलेगा, ठीक है, डेविड को ले लिया। उसके बाद बात करें गायकवाड़ को ले लिया, उसके बाद तिलक वर्मा और रिंकू सिंह, ठीक है, इसमें हमारा हिट एंड मिस वाला प्लेयर कौन कौन ड्रॉप है, सूर्य कुमार यादव, उसके बाद ट्रेविस हेड और उसके बाद यशस्वी जायसवाल, ये सब हिट एंड मिस वाले हैं, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर सीधा सीधा ड्रॉप रखेंगे। एक हम स्मिथ को चाहे तो स्मिथ को ले सकते हैं, लेकिन पिछला टीम में हमने ऑलरेडी इसको लिया हुआ है तो इसको हम यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सिर्फ टीम डेविड जो है ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर यहाँ पर होता है, ठीक है, तो हमने हिट एंड मिस वाले प्लेयर को इस टीम में ड्रॉप कर दिया जो कि रिस्की खेलते हैं। ऑलराउंडर पे बात करें मैक्सवेल तो बीच का है तो मैक्सवेल को ले लिया, चलो ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शिवम दुबे है तो शिवम दुबे को हम ले लेते हैं, कि शिवम दुबे का मान लो ओपनर का हमने जायसवाल को ले लिया, अगर बैटिंग गिरता है तो शिवम दुबे को मिल जाएगा या फिर बॉलिंग से हमको पॉइंट दे देगा, तो शिवम दुबे को हमने ले लिया। बॉलिंग सेक्शन की बात करूंगा तो बॉलिंग सेक्शन पे हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर जैसे एडम जंपा को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। उसके बाद मैं इंडिया से बात करूं तो रवि बिश्नोई को रख लूंगा। उसके बाद यहाँ पर मुकेश कुमार है, आवेश खान है, ठीक है, उसके बाद पी कृष्णा है तो हमने कृष्णा को रख लिया। तो यह हमारा इंडिया के फेवर में टीम है, देख सकते हैं इंडिया से 7 प्लेयर और ऑस्ट्रेलिया से मात्र 4 प्लेयर हमने ले रखे हैं, ठीक है। तो यह हमारा बैटिंग फेवर में दोनों टीम बन गया, एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक इंडिया की तरफ से, दो हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसमें भाई ये बात करते हैं नेक्स्ट कैप्टन वाइस कैप्टन इस मैच में किसको रखा जाए। तो चलो यहाँ पर हम कैप्टन जाएंगे मैक्सवेल के साथ, ठीक है, और वाइस कैप्टन की मैं बात करूं तो वाइस कैप्टन हम यहाँ पर जैसे गायकवाड़ है, तिलक वर्मा है, उसके बाद ईशान किशन है, तो हम ईशान किशन के साथ इस मैच में वाइस कैप्टन चले जाएंगे, ओपनर पे नहीं जाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है, हम ईशान किशन को ले लिए, दो जीएल का टीम कॉम्बिनेशन हो गया। अब बात करते हैं भाई टीम नंबर तीसरा का क्या कॉम्बिनेशन होगा, तीसरा में हम किस प्लेयर को लेके चलेंगे, किसको ड्रॉप करके चलेंगे, ठीक है, इससे पहले हम इस टीम को सेव कर लेते हैं क्योंकि हम इसी से खेलने वाले हैं। तो चलो अब बात करते हैं टीम नंबर तीसरा का, तो तीसरा में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ईशान किशन को लेके जाने वाले हैं। बैटिंग सेक्शन की बात करूं तो बैटिंग सेक्शन पे हम यहाँ पर सिर्फ सूर्य कुमार यादव को लेंगे जो कि मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, ठीक है, स्मिथ को ले लेंगे, टीम डेविड को फिर से ले लेंगे, उसके बाद बात करेंगे गायकवाड़ को ले लेंगे, ठीक है। इस मैच में भी हमारा यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा और रिंकू सिंह और टी हेड चारों के चारों ड्रॉप रहने वाले हैं, ठीक है, बैटिंग सेक्शन से हमने 4 ही प्लेयर लिए हैं। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम ग्लेन मैक्सवेल के साथ और एक हमारा मैथ्यू शॉट है, ठीक है, मैथ्यू शॉट के साथ भी आप जा सकते हो, तो हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी ग्लेन मैक्सवेल को लिया हुआ है। बात करूं बॉलिंग सेक्शन की तो बॉलिंग सेक्शन पे यहाँ पर रिजर्वेशन हो जाएगा, ठीक है, अर्षदीप सिंह, पी कृष्णा, 3 बॉलर हो गए। उसके बाद चौथा की मैं बात करूं तो ब्रेंडरॉफ को ले लेंगे, 5वां हम ले लेंगे यहाँ पर रवि बिश्नोई को, ठीक है, तो इसमें हमारे 5 बॉलर है, बॉलिंग के फेवर में यह टीम बनाया, हमने बैट्समैन कम लिया है, टीम का प्रीव्यू देख सकते हैं, तो बैट्समैन हमने इसमें कम लिया है, ऑलराउंडर भी कम लिया है, ठीक है, तो यह हमारा टीम नंबर तीसरा हो गया। अब इसमें बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होने वाला है, तो इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अगर हम रिस्क लेना चाहे तो जैसे अर्षदीप सिंह है, पी कृष्णा है, रवि बिश्नोई है, तो मानते हैं कि हम यहाँ पर जो है बैटिंग जल्दी गिर जाएगा, ज्यादा स्कोर नहीं होगा, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में यहाँ पर अर्षदीप सिंह के साथ हम वाइस कैप्टन चले जाएंगे, कैप्टन हम चले जाएंगे रिचर्डसन के साथ, ठीक है, रिस्क लेके। तो यह हमारा रिस्की टीम कॉम्बिनेशन तीसरा इस टाइप से बन चुका है, देख सकते हैं फाइनल टीम बन चुका है। अब बात करते हैं भाइयों फाइनल टीम नंबर चौथा का कॉम्बिनेशन, कि इसमें हम किसको लेंगे, किसको बाहर करेंगे।
तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऑलराउंडर सेक्शन से ज्यादा प्लेयर लेके चलने वाले हैं। तो पहले हम चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पे। तो बेस्ट हमारा यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल है, मैथ्यू शॉर्ट, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, सारे हमने चार ऑलराउंडर रख लिया है। बात करूं विकेट कीपर सेक्शन की, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मैथ्यू वेट को ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ईशान किशन को हमने तीनों टीमों में लिया हुआ है। ईशान किशन चला तो ठीक, अगर नहीं चला तो सारा टीम बेकार ना जाए, इसलिए ईशान किशन को यहाँ पर हम सीधा सीधा ड्रॉप करके चलेंगे। बैटिंग सेक्शन की बात करूं तो बैटिंग सेक्शन पे यहाँ पर ट्रेविस हेड है, स्मिथ है, तो यहाँ पर हम गायकवाड़ को भी हर टीम में रखें इस मैच में। गायकवाड़ को यहाँ पर हम हटा के हम यहाँ पर ले लेंगे, जैसे मान के चलिए ऋतुराज गायकवाड़ है, उसके बाद टी हेड है, सूर्यकुमार यादव है, तो हमने सूर्यकुमार यादव को रख लिया। उसके बाद बात करूं यहाँ पर स्मिथ है, तो स्मिथ को रख लिया, ठीक है, दो प्लेयर हो गए। और एक बात करूं तो तिलक वर्मा और रिंकू सिंह है, इन दोनों में आप चाहो तो एक लेके यहाँ से जा सकते हो, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं यहाँ पर तिलक वर्मा को। तो तीन हमारे बैट्समैन हो गए, बाकी सारे बैट्समैन को हमने ड्रॉप रखा है। अब बात करूं बॉलिंग सेक्शन की, तो एडम जंपा रिचर्डसन है, तो यहाँ पर मेन बॉलर ले लेंगे, जैसे अर्षदीप सिंह को ले लेंगे, शेन अबाउट को एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर, उसके बाद यहाँ पर ले लेंगे पी कृष्णा को, जिसका सिलेक्शन कम चल रहा है, ठीक है। 6-5 के कॉम्बिनेशन में हमारा टीम चौथा बन गया है। टीम का प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर मैथ्यू वेट, सूर्यकुमार यादव, स्मिथ, तिलक वर्मा, तीन प्लेयर ऑलराउंडर से ज्यादा प्लेयर लिया हमने, मैक्सवेल, अक्षर पटेल, मैथ्यू शॉर्ट, शिवम दुबे। अगर बाय चांस जो है बैटिंग अच्छा ना करे, ऑलराउंडर बैटिंग अच्छा ना करे, तो बॉलिंग से हमको कुछ पॉइंट दे दे, क्योंकि यहाँ पर जान सकते हैं अक्षर पटेल स्पिनर है, शिवम दुबे भी ठीक कराता है, मैथ्यू शॉर्ट, मैक्सवेल भी स्पिनर है, तो बैटिंग से भी पॉइंट दे, बॉलिंग से भी दे, इस टाइप का कॉम्बिनेशन में टीम हमने बना दिया, ठीक है। मान के चलो बॉलर और बैट्समैन ज्यादा नहीं चले तो ऑलराउंडर काम आ जाएंगे, ठीक है, टीम नंबर चौथा। अब इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन जो हम रखेंगे, ये बिल्कुल हम यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन से ही रखेंगे, जैसे हम यहाँ पर शिवम दुबे को वाइस कैप्टन रखेंगे और ग्लेन मैक्सवेल को कैप्टन रखने वाले हैं। तो फाइनल चौथा का टीम कॉम्बिनेशन इस प्रकार से देख सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं भाई और टीम नंबर पांचवा का, कि उसमें हम किसको लेके चले, किसको छोड़ के चले। तो चलो यहाँ पर टीम नंबर पांचवा थोड़ा सा हम लोग अलग बनाएंगे। हम इसमें क्या करेंगे, बॉलर से बॉलिंग फेवर में हमने टीम बना लिया, ऑलराउंडर में बना लिया, अब बनाएंगे बैटिंग फेवर में, ठीक है, वो भी बैटिंग में सारे प्लेयर को यहाँ पर सीधा सीधा लेके जाएंगे, ऑलराउंडर और बॉलर को बहुत कम रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेके जाएंगे जैसे मैथ्यू और ईशान किशन, दोनों बैट्समैन है, ले लिया। बैटिंग सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर हम सूर्यकुमार यादव को ले लेंगे, गायकवाड़ को, यशस्वी जायसवाल को, ठीक है, सभी प्लेयर को ले लिया। उसके बाद बात करूं यहाँ पर रिंकू सिंह काफी नीचे है, ठीक है, 6 नंबर पे खेलता है, तो रिंकू सिंह को हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तिलक वर्मा 5 नंबर पे खेलता है, तो तिलक वर्मा का भी मैं मानता हूँ कि बैटिंग नहीं आएगा, तो टीम डेविड को ले लिया। चलो यहाँ से हम ले लेंगे टी हेड को, ठीक है, स्मिथ को हमने इसमें छोड़ दिया। किसको छोड़ा यहाँ पर, स्मिथ को छोड़ दिया, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह को, क्योंकि ये लोग का बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर पे, ठीक है। ऑलराउंडर पे बात करूं, मैक्सवेल को हमने हर टीम में रखा है, तो यहाँ से बाहर करेंगे मैक्सवेल को, हम यहाँ पर लेके जाएंगे सिर्फ और सिर्फ मैथ्यू शॉर्ट को, एक ही प्लेयर लेके जाएंगे। बात करूं बॉलिंग सेक्शन की, तो बॉलिंग सेक्शन पे यहाँ पर हम ले लेंगे जैसे मुकेश है, मुकेश को हमने टीम में नहीं लिया है, एम कुमार को इसमें ले लेंगे। उसके बाद एलिस है, अगर खेलता है तो इसको लेंगे, फिलहाल अभी पता नहीं। एक रिचर्डसन को ले लेंगे, एक अर्षदीप सिंह को ले लेंगे, ठीक है। तो यह पांचवा टीम कॉम्बिनेशन बन गया है। अब इसमें बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, तो इसमें हम रिस्क लेंगे, जायसवाल के साथ कैप्टन और ट्रेविस हेड है जो टी हेड है उसके साथ वाइस कैप्टन जो है जाने वाला है, जो कि वर्ल्ड कप में शतक मार के आ रहा है, ठीक है। तो फाइनल टीम नंबर पांचवा का कॉम्बिनेशन बन चुका है। इसमें हमारा दोनों तरफ टीम का ओपनर है, अगर दोनों तरफ का ओपनर चलता है, धुआंधार बैटिंग करता है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन हमारा बना हुआ है। तो टीम नंबर पांचवा का कॉम्बिनेशन हो गया भाइयों। अब बात करते हैं टीम नंबर छठा का क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि 6 वीडियो में हमने जीएल का टीम कॉम्बिनेशन आपको देने के लिए बोला था। तो छठा में यहाँ पर हम लेके जाएंगे ईशान किशन को, सिर्फ और सिर्फ मैथ्यू वेट को छोड़ के जाएंगे, क्योंकि मैथ्यू वेट को हमने यहाँ पर सारे टीमों में रखा हुआ है, ठीक है। तो ईशान किशन को यहाँ से हम लेके जाने वाले हैं। बैटिंग की बात करूं तो बैटिंग पे यहाँ पर हम इसमें सिर्फ ओपनर को छोड़ के जाएंगे, ठीक है, जैसे ट्रेविस हेड है, जायसवाल है, तो हम यहाँ पर ट्रेविस हेड को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छा पिछला मैच में परफॉर्म करके आ रहा है, तो हमको लगता है कि जैसे ट्रेविस हेड फ्लॉप होगा तो हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद बात करें यहाँ पर टीम डेविड को, हर मैच में लिया, टीम डेविड को छोड़ेंगे। तिलक वर्मा को ले लेंगे, काफी टीमों में हमने नहीं लिया। गायकवाड़ को हमने पिछली टीम में छोड़ा है। उसके बाद सूर्यकुमार यादव को ले लेंगे, स्मिथ को ले लेंगे, इतना प्लेयर हम लेके जाने वाले हैं। गायकवाड़ को हमने काफी टीमों में रखा है, तो यहाँ से गायकवाड़ को हम बाहर करने वाले हैं। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंडर पे यहाँ पर शिवम दुबे है, अक्षर पटेल को हमने एक भी टीम में उतना नहीं लिया, बस एक टीम में लिया, तो अक्षर पटेल को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम ले लेंगे। दूसरा बात करें मैथ्यू शॉर्ट को ले लेंगे। तीसरा बात करें यहाँ पर शिवम दुबे है, ग्लेन मैक्सवेल है, इन दोनों में आपको एक रखना है, चाहे आप शिवम दुबे रखो चाहे ग्लेन मैक्सवेल रखो, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान के चलो हम यहाँ पर शिवम दुबे नहीं, यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल को रख लेते हैं, क्योंकि मैक्सवेल 4 नंबर पे आसानी से बैटिंग कर लेता है। बॉलिंग की मैं बात करूं तो बॉलिंग सेक्शन पे यहाँ पर मैं ले लूंगा पी कृष्णा को,
एडम जंपा को उन्होंने काफी टीमों में नहीं रखा है, बस एक टीम में रखा या दो टीम में, तो एडम जंपा को ले लिया। उसके बाद एक हम यहाँ पर ले लेंगे पेंड्रॉफ को, ठीक है। पेंड्रॉफ काफी अच्छा बॉलर है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट कैप्टन वाइस कैप्टन इस मैच के लिए कौन होने वाला है। तो हमने भैया ओपनर जो है बैट्समैन है उसको भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर लिया, ऑलराउंडर से भी कर लिया। अब बात आता है बॉलिंग सेक्शन का, ठीक है। तो ईशान किशन के साथ काफी बार हम नहीं गए हैं, तो बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर हम पी कृष्णा के साथ वाइस कैप्टन सॉरी और वाइस कैप्टन एडम जंपा के साथ जाने वाले हैं, ठीक है। तो फाइनल टीम का छठा का कॉम्बिनेशन बनके तैयार है आपके सामने। अगर बॉलिंग फेवर में टीम जाती है, मतलब मैच खत्म होता है, तो भी आपके पास टीम अवेलेबल है। बैटिंग में खत्म होगा तो भी टीम अवेलेबल है। ऑलराउंडर ज्यादा चलेगा, ऑलराउंडर में भी है। विकेट कीपर, मतलब सारे तरफ से हमने टीम कॉम्बिनेशन आपको बना के दे दिया है। मैच जैसा भी जाए, एक ना एक टीम आपका जरूर इस मैच में फंसने वाला है, ठीक है। काफी अच्छा जो रैंक आपको लाके दे सकता है। तो फाइनल टीम नंबर छठा का कॉम्बिनेशन बनके आपके सामने तैयार है भाइयों। अगर लाइनअप के बाद इसमें कुछ भी चेंज अपडेट नहीं आएगा तो बेशक हम इसी टीम के साथ खेलेंगे। अगर आता है तो टेलीग्राम का लिंक जस्ट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को एक लाइक करके, एक अपना कमेंट जरूर कर देना कि इंडिया इस टी सीरीज में, जो T20 सीरीज है, इसमें अपना वर्ल्ड कप का बदला ऑस्ट्रेलिया को हरा के ले पाएगी या फिर नहीं ले पाएगी, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल यहीं तक रहेगा अपना वीडियो, तो मिलते हैं आप सभी से अपने अगली वीडियो में।